आज हम एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट कवर करते हैं इसको। ठीक है, हाँ, एग्रीकल्चर और खेती, हिंदी में खेती कहते हैं। ठीक है, ये जो लोग तो खेती को एज प्रोफेशन में यूज करना चाहते हैं उनके लिए तो ये जस्ट बेसिक है, उनको तो इसके लिए एडवांस स्टडी भी चाहिए। ठीक है, आजकल जैसे लोग प्रोफेशन में यूज करना चाहते हैं, पर ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल है, इवन गवर्नमेंट भी कोई टैक्स नहीं लगाती इन एग्रीकल्चर इनकम इफ सम अमाउंट पे। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर आपके पास जमीन है और आप स्टडी करके खेती करते हैं। ठीक है, एस अभी नॉलेज का जमाना है, सो बिना पढ़े अगर आप कुछ भी करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जब भी आप खेती करना चाहो तो उसको पूरा स्टडी करके भी, कैसी मिट्टी है, मैं क्या उगाऊँ, मिट्टी की उपजाऊता कैसे बने, कैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जो मैं उगाऊँ और डिफरेंट वैरायटीज की उगाऊँ। ठीक है, चलो अभी हम सिर्फ अभी एनसीईआरटी का चैप्टर है उसको कवर करते हैं। ठीक है, जो ये खेती है, ये हमारे खेती हमारे कंट्री के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन है जो वो इसी में ही एंगेज है, यही काम कर रही है। ठीक है, और जो खेती है ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, इससे हमें क्या, इससे हमें भोजन मिलता है जो हम खाते हैं, और इसके अलावा ये कच्चा सामान भी देती है जो हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए, और इसके इलावा जैसे जो खेती के वस्तुएं हैं, चाय पत्ती होगी, कॉफ़ी होगी, मसाले हो गए, जो हम बाहर बेचते हैं, बाहर जाके इनको बेचते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टेड मतलब बाहर जाके इनको बेचते हैं। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरीके के खेती हम करते हैं। ठीक है, जो ये खेती है ये हमारी पुरानी पैसे कमाने का साधन है, और जो खेती के तरीके हैं ये चेंज होते रहते हैं। फिजिकल आपका मैदानी इलाका है, पहाड़ है, या और वातावरण कैसा है, और वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की, लोगों को नॉलेज कितनी है। ठीक है, और लोग वहाँ का ट्रेडिशन, सोशल कल्चर कैसा है, और ये जो ये खेती है ये वेरी करती है। कई तो ये खेती अपना जीवन निर्वाह करने के लिए करते हैं, कई खेती इस खेती करके आप पैसे कमाते हैं। ठीक है, और अभी हमारे इंडिया में जो खेती के तरीके प्रैक्टिस किए जाते हैं उसमें पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ये तरीका है, ये कुछ पॉकेट्स मतलब कुछ छोटे छोटे से इलाके हैं वहाँ पे किया जाता है, और ये स्मॉल पैचेस मतलब थोड़ा थोड़ा सा एरिया, ठीक है, वहाँ पे ये हाँ जो प्रिमिटिव टूल, पुराने टूल, कही हो गई, तलवार हो गई, इनसे करते हैं। इनको करते कौन लोग हैं, हमारे फैमिली वाले मेंबर्स हो गए, ठीक है, कम्युनिटी लेबर हो गई, ये अपनी फैमिली के ही मेंबर द्वारा की जाती है। ये सारी जो प्रिमिटिव ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये मानसून पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, और नेचुरल उपजाऊता, नेचुरल है जो कुदरती उपजाऊता मिट्टी की डिपेंड करती है, और अदर कुछ वातावरण की, कैसा वातावरण है उस हिसाब से फसलें बीजते हैं, और इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, इसमें देखो कुछ अपना फॉरेस्ट एरिया है, उसमें हमने कुछ एरिया फॉरेस्ट का उसके ट्री कट कर दिए। ठीक है,
को कट कर दिया, फिर उस पे आपने फसलें उगाई, उसको हम स्लैश बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। और इससे जब मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाती है तो जो किसान है वो उस जो पर्टिकुलर एरिया को हमने वर्ता यूज किया था उसको छोड़ दिया और नए फॉरेस्ट लैंड पे जाके सेम चीज की, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। और इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी की जो उपजाऊता, जो हमने एरिया छोड़ दिया, उसकी जो उपजाऊता वापस फिल हो जाती है, रेप्लीनिश फिल विद फर्टिलिटी, उपजाऊता वापस आ जाती है, ठीक है। और अभी यहाँ थ्रू कुदरती तरीके द्वारा, ठीक है। और इससे जो ये खेती करते हैं हम, इससे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, क्योंकि इससे कोई हम खाद वगैरह नहीं यूज कर रहे और कोई कोई नवे तरीके नहीं बरत रहे इस खेती के लिए। और इसी खेती को अलग-अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इवन इन भारत में ही, इंडिया में ही इनको कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है, जूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और पमालू इन मणिपुर, डिप्पा इन बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। और इसी खेती के जो नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो अलग अलग देश हैं उनमें भी इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मिल्पा मेक्सिको में, और सेंट्रल अमेरिका में कॉनक्वा इन वेंजुएला में, रोका इन ब्राजील में, मसोले इन में, लैंडिंग इन इंडोनेशिया में, रे इन वियतनाम में। और जो ये खेती है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ जो खेती का तरीका है, इसको भारत में ही बिवाड़ और दहिया इन मध्य प्रदेश में, पाड़ू और पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामी डबी और कमान और बांगा इन उड़ीसा में, कुमार इन वेस्टर्न घाट में, वालरे और वाटरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खेल इन हिमाचल हिमालयन बेल्ट में, कोरबा इन झारखंड में, एंड जुमिंग नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स। और ये पिक्चर में बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने काट के बर्न कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ है, एक लड़की अपने छोटे से गांव की सरहद के पास, असम में जो डिप्पू की, ठीक है, वहां पे रहती है, वो ये स्लैश एंड बर्न वाली खेती करते हैं। और वो उसको जो वहाँ की सराउंडिंग है, वहाँ के आला दुआला है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो उसको जो इरिगेशन बैम्बू कैनाल जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उससे वो करते हैं, वो वहीं पे रहना चाहती है जितनी देर वो रह सके। पर जो उसकी फैमिली अब शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि उसकी जो उपजाऊता है वो मिट्टी की वो कम हो गई है, ठीक है। जस्ट सिंपल स्टोरी है। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस खेती में जो ये ज्यादा लोग हैं वो जो लैंड पे करते हैं, और ये बहुत ज्यादा लेबर, इसमें बहुत ज्यादा लेबर चाहिए, और हाई डोज ऑफ मतलब जो बायोकेमिकल इनपुट्स हो गई, और इरिगेशन पानी देने के तरीके, ये जो हबी प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो। और अभी इन्होंने एक चीज बताई हुई है, भी जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, उस वजह से राइट ऑफ पैलेंस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। एक फार्मर है, किसान है, उसके दो बच्चे हैं, ठीक है। उनमें जो जो जमीन है वो उनके डिवाइड हो गई। अब जो दो बच्चे हैं
उनके फिर दो दो बच्चे हैं, ठीक है, फिर उनमें भी जो जमीन डिवाइड हो गई, और अभी जो उनके फार्मर के बच्चों के बच्चे हैं उनके उनके पास अब जो लैंड होल्डिंग साइज है वो बहुत कम है उनका खुद का यूज करने के लिए, और उसको और कोई सोर्स नहीं है, पैसे कमाने का साधन नहीं है। सो इस वजह से भी जमीन की जो आउटपुट कम हो रही है और प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है जमीन पे, ठीक है। पॉपुलेशन इज आल्सो ए वन ऑफ द रीजन, ठीक है, टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ऑन दैट देयर विल बी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न इनपुट्स यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड, जो बीज है हमारे वो ज्यादा आउटपुट देने वाले, और खार, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, वीक उसको कोई कीटाणु ना लगे और हमारी प्रोडक्टिविटी हाई रहे, और जो ये पैसे कमाने का जो खेती के द्वारा रीजन, तो अनदर रीजन डिफरेंट है, जैसे चावल है जो ये हरियाणा और पंजाब में तो कमर्शियल फसल है, पर उड़ीसा में ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है। सब्सिस्टेंस का मतलब ये है कि अपना खुद का जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है। अभी प्लांटेशन में ये भी एक तरह का कमर्शियल खेती के तरीके से है, और इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी एक छोट एक एक ही फसल को हमने बहुत बड़े एरिया में उगाया, और उस फसल के द्वारा ये एक फसल है जो ये इंटरफेस भी है, मतलब इंडस्ट्री फुली डिपेंड है उन खेती पे, ठीक है। अगर खेती नहीं होगी तो इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और प्लांटेशन की, ठीक है। और जो प्लांटेशन में हो रहा है, भी बहुत बड़ा इलाका है, उस पे हमने खेती की, प्लांटेशन प्लांट्स उगाए विद हेल्प ऑफ जो जो मजदूर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, ठीक है। ये सारा कच्चा सामान इंडस्ट्री में यूज होता है, और जैसे भारत में चाय पत्ती होगी, कॉफी होगी, रबड़ हो गई, गन्ने की होगी, केले की खेती होगी, ये सारी ये इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। चाय पत्ती असम और नॉर्थ बंगाल में, कॉफी है जो कर्नाटका में, सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जो ये सारी प्रोडक्शन है फॉर मार्केट के लिए, और इस जो ये सारी इंडस्ट्री और प्लांटेशन है ये सारा कुछ डिपेंड कर रहे हैं हमारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है। ये सारा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं इस में, ठीक है। और इन्होंने जो दो पिक्चर दे रखी हैं, एक बलाना प्लांटेशन की और एक बेम्बू प्लांटेशन की, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह से हम फसलों का वो उत्पादन करते हैं, किस कौन सी फसल किस किस सीजन में करते हैं, अभी आपको पता ही है अभी हमारे यहाँ पे कितनी फिजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब फिजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, भी कहाँ पे कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे मैदानी इलाका है, डेक्कन इलाका है, और प्लोरिटी ऑफ कल्चर डिफरेंट डिफरेंट, हमारे बार में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और इससे जो हमारे खेती करने के तरीके है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो यहाँ पे काफी तरीके के भोजन और फाइबर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और सब्जियां उगाई जाती हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं, चटनी बनाना है, कॉन्डिमेंट मतलब चटनी का सामान जो होता है, और इटसेट्रा, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो
जो हम फसलें हैं उगाते हैं, इसमें जैसे अभी 3 सीजन है हमारे पास, ये 3 सीजनों से हम जानते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। ठीक है, रबी जो वो सीजन है जो सर्दी में आता है, और अक्टूबर से दिसंबर में हम इस सीजन में फसल बीजते हैं, और गर्मी में अप्रैल, जब गर्मी स्टार्ट होती है अप्रैल से जून तक हम इसको कटाई कर देते हैं। और कुछ अभी रबी क्रॉप कौन कौन सी हैं, कनक हो गई, बार्ले हो गया, मटर हो गए, चने हो गए, सरसों हो गई, और ये जो खेती ये वाली है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स, ठीक है, जो ये अवेलेबिलिटी ऑफ, हाँ अभी ये कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन है, जो प्रेसिपिटेशन का मतलब मैंने आपको डिटेल में बताया था, बारिश की ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये सर्दी के मौसम में जो, क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से आता है, उस वजह से इनकी क्रॉप मतलब जो इनकी फसल का है वो कामयाब हो रही है। ये वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन क्या है, एक कोल्ड एयर है, एक हॉट एयर है, जब ये आपस में मिलती हैं तब जो उसमें मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने की वजह से फिर वो क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड बन के उनकी वजह से जो हमारे पास रेन वगैरह आती है। ठीक है, दैट इज वेस्ट, ये वेस्टर्न साइक्लोन जो होता है टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ओके आगे आप पढ़ते हैं, इन वजह से जो हमारा कामयाब हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी पार्ट में, राजस्थान में, ये सारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ग्रोथ हुई है। और ये इन रबी क्रॉप्स की, अभी खारिफ के बारे में पढ़ते हैं। खारिफ जो ये है, ये इसका प्रारंभ जब मानसून आता है तब होता है, और इनकी कटाई सितंबर में से अक्टूबर तक होती है। और इस सीजन में कौन कौन सी चीजें हैं, पैडी होगी, मेज होगी, ज्वार होगी, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, और ये चावलों की जो फसल है ये ज्यादा कहाँ पे, रीजन कौन कौन से इलाके, आसाम, वेस्ट बंगाल, तटीय इलाके, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली जो कोंकण का तटीय इलाका है, एंड यूपी, बिहार, जो ये रिसेंटली जो पेड़ी है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की। अभी ये असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 3 क्रॉप्स हैं जो पैडी की वो बीजी जाती हैं एक साल में। ठीक है, उनको क्या क्या, दीज आर उज, ओमन एंड बोरो। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी एक सीजन और आता है जो इन दोनों के बीच में आता है, रबी और खरीफ के बीच में, वो छोटा सा सीजन होता है, उसको हम जैद कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी फसलें बीजते हैं, इसमें हम तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और खीरा वगैरह बीजते हैं। ठीक है, और सब्जियां हो गई, और चारा हो गया जो जानवरों को डालने के लिए, और गन्ने की खेती को तो पूरा साल ही लग जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, बहुत ज्यादा जो वैरायटी ऑफ फूड, भोजन वाली नॉन फूड क्रॉप्स है जो अलग अलग इलाकों में बीजी जाती हैं,
मिट्टी के आधार पे वातावरण कैसा है और कहाँ कौन से तरीके बरते जा रहे हैं, और उनमें से जो बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं, चावल हो गई, कनक हो गई, मिलेट्स मतलब मोटे दाने, दालें होगी, चाय पत्ती होगी, कॉफी होगी, गन्ने की होगी, वाली चीज, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। हाँ, चावलों की खेती के बारे में पढ़ते हैं अब। ये एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब ये है जो एक बंदे की जो डाइट है उसमें उसको जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट बोथ मतलब उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मिले उसको हम स्टेपल फूड कहते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, उसको जो डेली नीड है उसकी, ठीक है। जो हमारा अब कंट्री है, देश है, ये दूसरे नंबर पे आता है चावल में आफ्टर चाइना, ठीक है। ये खैरिफ क्रॉप है जो मानसून के जस्ट आने से पहले बीजी जाती है, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और इसमें जो रेन है बहुत ज़्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ ये जहाँ पे रेनफॉल कम है वहाँ पे ये इरिगेशन द्वारा बीजी जाती है, मतलब पानी जो कैनाल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू की जाती है। चावल जो है ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में भेजे जाते हैं, 30 इलाकों में, डेल्टिक रीजन में। अभी डेवलपमेंट ऑफ जो डेंस नेटवर्क ऑफ वही कैनाल हो गया और ट्यूबवेल हो गए उनके होता है। अभी ये पिक्चर दे रखी है चावलों की खेती के बारे में, यहाँ पे देखा होगा आपने, पानी खड़ा रखना पड़ता है यहाँ पे, और ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, ठीक है, कटाई के लिए। तो अभी ये पिक्चर में इन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन कौन सा जो मेजर एरिया है जहाँ पे ज्यादा चावल बीजे जाते हैं, जो माइनर एरिया वहाँ पे कम बीजे जाते हैं, ठीक है। दिस इज ए मेजर एरिया और दिस इज माइनर एरिया। ओके, नाउ वी विल गो नेक्स्ट। हाँ, वही कैनाल, ट्यूबवेल वगैरह, ठीक है। जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे हम ट्यूबवेल वगैरह इसकी इरिगेशन कर लेते हैं। और अब कनक की खेती के बारे में, ये सेकंड है, दूसरे नंबर पे खेती इसकी आती है अनाज में, और ये कई जगह तो ये मेन मेन फूड क्रॉप है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक में, और ये रबी क्रॉप है। ये जब इसको बीजते हैं ठंडा सा सीजन चाहिए, और जब ये कटाई हो उसकी ब्राइट सनशाइन चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है जो कंट्री के, वो गंगा सतलुज प्लेन हो गए, नॉर्थ ब्लैक सॉयल डेक्कन हो गए, मेजर जो कनक के एरियाज हैं वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र प्रदेश के भी हैं, ठीक है। और ये वीट्स कल्टीवेशन के बारे में अभी आपको पता होगा, जो एक वीट ग्रास भी होता है, वीट ग्रास का जूस होता है, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, वो पीना चाहिए, ठीक है। अभी मिलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। मिलेट्स वो अभी मोटे दाने जैसे कणिक होते हैं ना, उससे मतलब ये मोटे ज्वार, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी होगी, ये सारे इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं मोटे, और दीज आर को हाँ मोटे दाने हो गए, और ये इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। और इसमें एग्जांपल है रैगी है जो वेरी रिच है इन आयरन, कैल्शियम, अदर, और ज्वार है जो थर्ड क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से, और इसको ये मेन रेन पे ही ये डिपेंड होती है, और जो जहाँ पे मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर ज्यादा हो और इसको इरिगेशन की कमी जरूरत पड़ती है, और ये मेजर जो स्टेट्स है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जो बाजरा है ये बीजा जाता है रेतली मिट्टी पे और उथली मिट्टी पे, और जो ये स्टेट्स हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, रागी है जो ये ड्राई एरिया में बीजी जाती है, और ये रेड ग्रो जो होती है रेड ब्लैक और सैंडी में, ठीक है, ये बाजरा कल्टीवेशन में दिखाया हुआ है।
और जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, अभी मेज के बारे में, मक्की के बारे में, ये जो फसल है भोजन और चारे के लिए यूज होती है, कि ये खरीफ क्रॉप है और 21 से 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए, और ये एलुवियल सॉइल में उगती है। ये स्टेट्स हो गए बिहार में, रबी सीजन में भी कई जगह बीजते हैं, और जो मॉडर्न इनपुट्स जैसे जो सीड बीज है वो हमारा हाई यील्ड बीबी से लेके, और खजा खाद और जो इरिगेशन मतलब हमने जो कैनाल ट्यूबवेल के द्वारा इसकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जो मेजर हैं स्टेट्स हैं इसकी प्रोडक्शन वाली वो है कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। और अभी हम दालों के बारे में पढ़ते हैं। दालों में ये जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी हम ही हैं, और इसमें ये एक वेजिटेरियन में सबसे बड़ी बढ़िया प्रोटीन है, और जो मेजर पल्सीज हैं जो दालें हैं वो कौन कौन सी हैं इंडिया में, तूर हो गई, उड़द हो गई, मूंग हो गए, मसूर हो गए, और प्याज मतलब मटर को कह देते हैं। अभी आगे चलते हैं। अभी इस पिक्चर में कौन सा बताया हुआ है, अभी ये कनक का एरिया इसमें ज्यादा बीजा जाता है, और ये लीस्ट वाला है कनक का, ठीक है। चने हो गए, ग्राम चने होते हैं, और इसमें जो ये इसमें कुछ दालें हैं वो खारे सीजन में बीजी जाती हैं और कुछ रबी सीजन में बीजी जाती हैं, जो जिसको लेस मतलब मॉइस्चर चाहिए, और ये दालों को काफी कम मॉइस्चर चाहिए, और ये ड्राई कंडीशन में भी फसल उगती है, और ये एक फलदार फसल है, और इसमें सिर्फ अरहर को छोड़ के बाकी जो दालें हैं ये हमारी मिट्टी की उपजाऊता बहुत बढ़ा देती हैं। जो हमारे आपको सबको पता है जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और उसको जे हवा से लेके मिट्टी में करने के बाद जो मिट्टी की उपजाऊ होता है वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाती है, इसलिए इसको हम रोटेशन में भी बीज देते हैं, और इससे जो हमारी मिट्टी की उपजाऊता काफी बढ़ जाती है। और जो मेजर स्टेट्स हैं इसके लिए एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। और अभी आगे चलते हैं। फूड जो अनाज के अलावा बीजते हैं, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, शुगर केन वाली, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, जो ये वाला एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, और जो ऊपर वाला और नीचे वाला ये सब ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। और ये हॉट बहुत ज्यादा गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, जहां पे ह्यूमिडिटी काफी हो, ठीक है। और इसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और एनुअल रेन 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और कई जगह जहाँ पे बारिश कम है तो इरिगेशन के चाहिए दूसरे तरीकों से। और ये मिट्टी पे काफी डिपेंड करती है, मैनुअल लेबर से इसको काफी लेबर भी चाहिए बीजने से लेके कटाई तक, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम अब ब्राजील के बाद, ब्राजील पहले नंबर पे है। और इसमें मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़, जब कंडेंसरी अनप्रेशराइज्ड शुगर होती है उसको कंडेंसरी कहते हैं, मोलासेस गुड़ को कहते हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है।
और अभी आगे ऑयलशीट्स के बारे में, अभी 2014 में इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर था, और जो ये मूंगफली का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और जो रेप सीड ये भी एक येलो कलर का फ्लावर फ्लावर के ऊपर होता है, ठीक है, इसके भी हम थर्ड प्रोड्यूसर थे इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना, ठीक है। जो डिफरेंट जो हमारा 12% टोटल क्रॉप डेरी है उसमें हम ये इस पे इसको ही बीजते हैं, इस फसल को ही उगाते हैं, और जो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस हमारी है वो है मूंगफली, ग्राउंडनट मूंगफली हो गई, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, तिल, सीजमिन को तिल भी कहते हैं, सोयाबीन, कास्टर सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड, रुई टाइप होता है कुछ, एंड सनफ्लावर हो गए, और ये सभी एडिबल है। एडिबल का मतलब ये खाने योग्य हैं और इसको कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और कुछ यूज होते हैं कच्चा सामान, प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हो गए, सोप हो गई, साबुन हो गई, और मलम के लिए। और जो अभी आगे ये मूंगफली है जो ये खरीफ क्रॉप है, और ये हाफ ऑफ मेजर ऑयल सीड्स हैं जो हमारी कंट्री में भी दी जाती हैं, ठीक है। गुजरात है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मूंगफली का, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु 2015-16 में, और जो ये लाइन सीड एंड मस्टर्ड है ये रबी क्रॉप है, और सीजमन खरीफ क्रॉप है, और जो इन नॉर्थ एंड रबी कास्टर सीड्स है जो ये दोनों में बेची जाती है, रबी में भी खारिज में भी, अभी चाय की पत्ती की। ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये एक ड्रिंकिंग टाइप क्रॉप है, और ये सबसे पहले जो अंग्रेज पीपल थे वो ही लेके आए इसे, और जो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब ये दोनों में होता है, और ये इसके इससे मिट्टी है जो ये हमारी फर्टाइली रहती है इसे, और इसमें ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी काफी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए और ठंडी ठंडा क्लाइमेट नहीं चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, और इसको बारिश भी चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी टाइम लीव्स के लिए, और टी की जो चाय पत्ती की खेती है इसको काफी ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है, और जो लेबर भी चाहिए इसे वो स्किल्ड चाहिए, ठीक है, और इसको जो चाय पत्ती की खेती को वहीं पे ही प्रोसेस किया जाता है क्योंकि उसके पत्तों की जो फ्रेशनेस है वो ना कम हो, ठीक है। और जो ये मेजर स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं दार्जिलिंग, असम हिल्स हो गए, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हो गया, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल, यूपी, नहीं सॉरी यूपी का थोड़ा सा उत्तराखंड, पहले यूपी था ये पार्ट अलग हो गया था ना, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, और आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और 2014 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे हम आफ्टर चाइना, ठीक है। अभी कॉफी, कॉफी में 2014 में हमने 3.5% वर्ल्ड की कॉफी का प्रोडक्शन किया, हमारी जो कॉफी है इसकी लिए हम मशहूर भी हैं, तो हमारी क्वालिटी की कॉफी की ये सबसे पहले यमन से यहाँ पे आई, और इसकी अब ऑल ओवर संसार में और में काफी डिमांड है। इसकी कल्टीवेशन सबसे पहले खेती बाबा बुदन हिल्स में और कन्फाइंड टू नीलगिरी में, कर्नाटका, केरला में और तमिलनाडु में है। अभी बागवानी की खेती, और बागवानी में हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, और 2014 में हम इसके दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसर थे फलों के और सब्जियों के आफ्टर चाइना, ठीक है। इंडिया में ये प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल हम एज वेल एज मीडियम टेम्परेचर वाले फल उगाते हैं, जैसे आम महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के, संतरे और मौसमी वगैरह, नागपुर और चेरापुंजी के, और बनाना, केले, केरला के, और मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची और गावा, अमरूद, गावा अमरूद को कहते हैं, यूपी एंड बिहार, पाइन एप्पल ऑफ मेघालय, अंगूर ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल सेब, पियर, नाशपाती, एप्रिकोट, खुबानी को कहते हैं,
और वालनट अखरोट को कहते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश आर इन बहुत ज़्यादा डिमांड में है वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया में अभी 13% जो वर्ल्ड वेजिटेबल हम प्रोड्यूस करते हैं, इसके इसमें सबसे ज़्यादा हम मटर हो गया, मटर पी को कहते हैं, कॉलीफ्लावर गोभी हो गई, ओनियन प्याज हो गया, कैबेज पत्ता गोभी हो गई, टमाटो टमाटर ब्रिंजल बैंगन हो गए, और पोटैटो आलू इनका प्रोडक्शन करते हैं हम, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी उस फसल के बारे में पढ़ते हैं जो मतलब भोजन के लिए नहीं यूज होती, जैसे रबड़ की खेती, ये इक्वेटर क्रॉप है। इक्वेटर का मतलब जो ये इक्वेटर के नियर बीजी जाती है, ठीक है। इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा और पंजाबी में भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी इस फसल को उगाते हैं। इसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, 200 सेंटीमीटर टेम्परेचर भी इसको काफ़ी ज़्यादा चाहिए। ये जो ये रबड़ है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो हमारी टायर इंडस्ट्री हो गई, ये अभी पाई चार्ट में ही बताया हुआ है, सबसे ज़्यादा 62.2 जो हम व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। और आप शूज़ वगैरह डालते हो, बेल्ट वगैरह सभी, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत यूज़ है हमारा जो रबड़ का, ठीक है। अभी ये हम कहाँ कहाँ उगती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आइलैंड, गारो हिल्स, मेघालय। 2012-13 में हम चौथे नंबर पे थे इसके प्रोड्यूसर थे, ठीक है। अभी फाइबर क्रॉप्स, ये भी वो वाली वो फसलें जो हम खाने के लिए नहीं बरतते, जैसे कॉटन हो गई, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ठीक है, कॉटन रुई को भी कह देते हैं, ठीक है। ये सारी फाइबर क्रॉप्स हैं। फर्स्ट जो है ये सीधा मिट्टी से मिलती है, और जो सिल्क है ये हमें सिल्क वर्म से मिलती है, जो सिल्क का पालन पोषण करते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को, और जो सिल्क फाइबर को बनाने के लिए उसको हम सेरीकल्चर भी कह देते हैं, ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है। और अभी रुई की खेती को, कॉटन की जो होती है, इसके सबसे पहले हम उगाने वाले इसका पहला घर माना जाता है, ठीक है। और जो ये कच्चा सामान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, और 2014 में हम दूसरे नंबर पे थे चाइना के बाद। जो कॉटन है ये सूखे इलाके में भी हो जाता है, ब्लैक कॉटन है जो डेक्कन में प्लेटू में भी होता है, और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए, और इसको ठंडा इलाका नहीं चाहिए, और सन चाहिए मतलब सन की जो धूप है इसको काफ़ी चाहिए। और ये खैरिफ क्रॉप है, और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं प्रोड्यूस होने में। और जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ठीक है। अभी जूट, ये जैसे रस्सियों वगैरह में जो यूज होता है, ये अभी सोफों में भी मतलब ये काफी बढ़िया मटेरियल होता है, ये गोल्डन फाइबर की तरह दिखता है, और ये ट्रेन फेल्टाइल में होता है, जो प्लेन्स है वहाँ पे, और सॉइल्स भी ये रेन्यूड हो जाती है एवरी ईयर, टाइम टू ग्रोथ। और वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, उड़ीसा में, मेघालय में जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ये बैग्स के लिए, मैट्स के लिए, रॉब्स के लिए, जान के लिए, कारपेट के लिए और अदर आर्टपेट के लिए, इसकी हाई कॉस्ट होने के कारण इसकी जो मार्केट है वो कम हो रही है, सिंथेटिक फाइबर इसकी मार्केट ले जा रहा है, और पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलर नायलॉन, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, हाँ, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, हाँ, इसमें ये है भी जो हमारी हम हमारे जो किसान हैं, वो अभी भी कई जगह तो
उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, अभी भी वो मतलब अपने पानी देने के लिए खेतों में मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। सो इसलिए अगर हमें बस टेक्नोलॉजी से हम ही इसको इंक्रीज, इसकी जो रेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई है इसमें खेती में, वो डाउनफॉल ही आ रहा है। किसान रोज ही कई आए, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, भी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, जो खेत एग्रीकल्चर है ये नियरली 60% जो हमारी पॉपुलेशन प्रोवाइड मतलब जीवन निर्वाह करती है, और इसमें टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, और कलेक्टिव कंसोलिडेशन होल्डिंग, मतलब होल्डिंग जो है उसकी जमीन की कॉरपोरेशन, और जो जमींदारी की ये बंद होनी चाहिए, इसको प्रायोरिटी दी है इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म में आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें भी लैंड रिफॉर्म में नो फोकस दिया हुआ था, और राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो मतलब इनहेरिटेंस के बाद किसी के पास लैंड रहती है उसको उसकी होल्डिंग को फ्रेगमेंटेशन किया गया। और जो हमारे पास लॉ तो पास हो जाते हैं पर उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं है, वो लैग करता है। इवन जो हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए 1960 में 1970 में, उस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया और वाइट रेवोल्यूशन भी आया, पर ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही आया, पूरे मतलब नहीं आ पाया। ठीक है, पहले समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। फसलों से बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, जो हमारे खान मतलब पहले हमें खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, अब खाने को बहुत ज्यादा मटेरियल उपलब्ध था हमारे पास। और वाइट रेवोल्यूशन में क्या था, दूध मिल्क के बारे में, उस टाइम में भी यही था, अभी मिल्क की बहुत कम थी और मिल्क का इन्हें इतना प्रोडक्शन कर दिया जो हमारे हम उसको जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा। ठीक है, अभी हाँ ये, हाँ ये वही चीज है। अभी गवर्नमेंट काफी रिफॉर्म तो ला देती है, और इसमें ये भी है जैसे हमने क्रॉप का इंश्योरेंस बताया, और जैसे कहीं हर सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, आग लग गई, कुछ डिजीज हो गई, अभी ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ है, और जो लोन फैसिलिटीज हैं फार्मर को दी गई हैं किसानों को वो कम इंटरेस्ट रेट पे, और किसान क्रेडिट कार्ड भी चालू किया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कुछ जो स्कीम्स हैं ये सीधा किसान को बेनिफिट देने के लिए, और स्पेशल जो वेदर बुलेटिन है वो भी, और इंट्रोड्यूस किया जिस रेडियो टेलीविजन के द्वारा गवर्नमेंट ने कुछ, अभी वो भी अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करती है, और रिमुनरेशन प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ भी, वो प्रोक्योरमेंट प्राइस भी करती है, अभी हम इतने प्राइस पे खरीद रहे हैं। ठीक है, और इससे जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो बाय स्पेकुलेटर और मिडलमैन जो बिचौले हैं उनके द्वारा किसानों की एक्सप्लाइटेशन ना हो। अभी एक तो ये भूदान है, ग्रामदान है, महात्मा गांधी जी ने अविनोबा भावे है जो उनको अपना स्पिरिचुअल हेयर हेयर भी उनका जो भी सक्सेसिव जनरेशन जो था जैसे, ठीक है, उन्होंने भी सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पार्ट लिया था, और वो गांधी जी का कंसेप्ट जो ग्राम स्वराज्य है उसके वो बहुत फैन थे, और उसमें उन्होंने गांधी जी की शहादत के बाद उन्होंने पद यात्रा की थी, वो भी गांधी जी का मैसेज पूरे कंट्री में बांटने के लिए, और जब वो एक बार लेक्चर दे रहे थे पंपाली में आंध्र प्रदेश में, कुछ जो गरीब लोग थे वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमें कुछ जमीन दे दो भी हम अपना इकोनॉमिक वेलबींग के लिए,
और विनोबा भावे ने कहा कि मैं अभी कुछ कोई वादा नहीं करता, पर मैं आपकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जरूर रखूंगा और उस पे फॉर देम फॉर लैंड ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है। और अचानक एक श्री रामचंद्र जी रेड्डी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं अपनी 80 एकड़ लैंड को दान में दूंगा, जो 80 जिनके पास गांव वाले जो लोग थे 80 लैंडलेस विलेजर्स को, और इसको एक्ट को भूदान कहा गया। और वो ऐसे ही काफी जगह ट्रेवल किए और उन्होंने ये आइडिया सभी जगह बताया। कुछ जमींदार ने जो मालिक थे जमीनों के, उन्होंने कुछ पार्ट है जो लैंड का वो ऐसे ही दान में दिया, उसको ग्राम दान कहा गया। जो कुछ लैंड उन्होंने कुछ पार्ट ही लैंड का दिया, क्योंकि वो डर गए थे लैंड सीलिंग एक्ट के कारण। लैंड सीलिंग एक्ट में क्या था, लैंड सीलिंग एक्ट में था भी जो हमारी जो एक बंदा इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकता। ठीक है। और अगर उसके पास है उसको कंपनसेशन दो या बिना कंपनसेशन दे, उससे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैंड ले सकती थी। ठीक है। दिस इज ए लैंड सीलिंग। अभी ये भूदान ग्रामवन इनिशिएटेड बाय, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। हाँ, अभी हमारी कंट्रीब्यूशन है जो एग्रीकल्चर की, जो नेशनल इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को, इसकी कितनी ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर की, इवन जो 1951 के बाद ही अभी भी जो हमारी 52% वर्कफोर्स इसमें ही अंगेज है, पर इससे जीडीपी हमारी बहुत कम हो रही है, फिर भी कम हो रही है। मतलब इससे ये है, इस पे जो लोग लगे हुए हैं उनकी जो इनकम है बहुत कम है। ठीक है। उनको मतलब इससे अपना जीवन, जस्ट कईयों को तो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं हो पा रहा, और इस वजह से गवर्नमेंट ने कई एफर्ट्स भी की हुई है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए रखे हैं, जैसे इंडियन काउंसिल रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटरनरी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो मतलब उनको मानसून के बारे में बताता रहे और वेदर फोरकास्ट वाला, मेट्रोलॉजी सॉरी मेट्रोलॉजी डिफरेंट चीज है, इट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट वेदर फोरकास्ट। ठीक है। और प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर। ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो कंजेंशियल फॉर। अभी आपने ये टेबल देखो, इसमें जो ये जीडीपी की एग्रीकल्चर की 2015-16 में जस्ट 1.1%, और हमारी 52% वर्कफोर्स इसमें लगी हुई है। ठीक है। मतलब इन लोगों की जो ये लगे हुए हैं इनकी इनकम बहुत कम है। ठीक है। और अभी मोर ओवर जो अभी एग्रीकल्चर में इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण जो अनदर कंट्रीज के आउटपुट भी हो हमारे से इंटरनल आ रहा है आसमान बाहर से बहुत सस्ता, उससे भी सस्ता जो हमारे फार्मर, ठीक है, इससे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अभी किसान है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है इससे, क्योंकि उसको डाउनफॉल हो रहा है एग्रीकल्चर में, खेती में। और अभी आपने सुना है काफी ज्यादा प्रॉब्लम पहले ही है, और हमारे पास कोई अदर इसके अलावा अगर फार्मर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेगा और खेती ऐसे ही कम होती रहेगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी और कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा है इम्प्लॉयमेंट इसमें ना दे हम। ठीक है। अब फूड सिक्योरिटी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, अभी आप सबको पता है जो ये फूड है, भोजन है, ये हर बंदे की
और एवरी सिटीजन की बेसिक नीड है, इसका इस पे असर सभी का होना चाहिए जो उसको मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल है। और अगर किसी के पास इसका असेस नहीं है, फूड सिक्योरिटी, उसके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो वो जो प्रोपोर्शन है वो बहुत मतलब लेस डेवलप्ड में आ जाएगा और उस गरीबी में जाएगा। फिर जैसे हमारे जो रिमोट एरियाज हैं कंट्री के, देश के, वो इस नेचुरल डिजास्टर जहाँ पे काफी ज्यादा आता है और वहाँ पे फूड सप्लाई भी अनसर्टेन है, और इसलिए इसको हर पर्सन को मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल मिलना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक बफर स्टॉक, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अभी आपको पीडीएस का प्रोग्राम पता है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम भोजन के जो वस्तुएं हैं और अदर प्रोडक्ट्स हैं, इसको बिलो पॉवर्टी लाइन को पॉपुलेशन को कम रेट पे गवर्नमेंट इनको देती है गांव में और अर्बन एरियाज में। और जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि एवरी सिटीजन और एवरी कॉमन पीपल को अफोर्डेबल प्राइस पे फूड की जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल हों। ठीक है, और ये होता कैसे है, ये हमारी इसमें एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट है जो वीट का प्रोक्योरमेंट करने के लिए फिक्स प्राइस कर देती है भी, और इसको करके फिर इसको प्रोक्योर करती है अपने अपने जो गोदाम है वहां पे जमा करती है। FCI या जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फूड ग्रेन को इकट्ठा करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो PDS से होता है, जैसे आपने सुना होगा डिपो वगैरह, वहां से सस्ता फूड मिलता है। ठीक है, FCI है जो ये फूड ग्रेन्स हैं, फूड के जो अनाज की चीजें हैं, ये किसान से जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की होती है उस पे FCI उनसे लेती है, और गवर्नमेंट है जो ये एग्रीकल्चर इनपुट्स पे सब्सिडीज देती है, जैसे उनके पास जो बीज वगैरह होती हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, उनको पावर फ्री देती है, पानी देती है। और जब अभी ये जो सब्सिडीज हैं इतने बहुत कम देने लग गए हैं और इनएफिशिएंसी होने लग गई है भी अगर इनपुट्स में, ठीक है, और अभी जो ये एक्सेसिव और यूज है खाद का, इस वजह से हमारी जो पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है और साल्ट कंटेंट बढ़ जाता है मिट्टी में, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो गए हैं। इवन जो ये हाई MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे तो देती है, इससे क्या हो रहा है, FCI तो उस को ही परचेज करती है जो उन्होंने करना होता है, और इस वजह से कई क्रॉप्स किसान फिर उगाते ही नहीं है, अब वही उगाती है जो FCI पर करती है। और जैसे कनक और पैडी की ही फसल है, इसको सबसे ज्यादा उगाते हैं MSP के कारण, इस वजह से पंजाब और हरियाणा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इससे जो इंटरक्रॉप वैरायटी बहुत कम हो गई है, और अभी आपने एक बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन होती है, एक APL होती है, और ये भी कोई फी फिक्स नहीं है, और कई APL है वो भी नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ गई है, क्योंकि अगर कोई भी फसल फेल हो जाए तो वो उसको फिर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम ये चाहते हैं अभी जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है ये सेल्फ सफिशियंट हो। सेल्फ सफिशियंट का मतलब ये है भी वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो गांव के पीपल हैं, जो वहाँ के खाने वाली चीजें खाने वाले लोग हैं, वो वहीं पे पैदा करके वहीं पे कंज्यूम कर दें, इट इज ए बेटर देन अदर और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उसके डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इससे।
और वहाँ के लोग उनको फसलें भी कम रेट पे मिलेंगी, और अनाज वगैरह सब कुछ राइट लेवल पे मिलेगा। ठीक है, अभी जो कंसंट्रेशन चावल और कनक पे काफी ज्यादा बढ़ने का बढ़ गया है। अभी जरूरत क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में इरिगेशन की फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी की, इस वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रही है, और अभी जो फोकस भी बढ़ गया है फूड ग्रेन में, उन सस्टेनेबल बेसिस में, हम ये इसमें फ्री ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, इससे हमारे पास मासिव एम्प्लॉयमेंट आएगी, पॉवर्टी कम हो गई। अभी ये ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है फूड क्रॉप्स से, अगर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, फलों की खेती में, और इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है अभी जो हमारा नेट सोन एरिया अंडर सेरल पल्सिस से वो कम हो गया है, और हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और फूड प्रोडक्शन इनपुट से बिग क्वेश्चन मार्क, कंट्रीज फूड सिक्योरिटी है, पर हमारी खेती की आउटपुट है वो उतनी ही फिक्स है, और अभी हमारी जो जमीन है इसका नॉन एग्रीकल्चर यूज भी काफी होने लग गया है, और इससे जो हमारा नेट सोन एरिया वो भी कम हो गया है, और लोग हाँ इसमें कम भी जा रहे हैं अब, और खाद पेस्टिसाइड्स और जो हमारी मिट्टी की डिग्रेडेशन काफी ज्यादा हो गई है, और पानी की स्कार्सिटी भी कम हो गई है, पानी का बहुत कम हो गया है, इरिगेशन इनिफिशियंट, आल्सो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब साल्ट कंटेंट इज इंक्रीज्ड इन अवर उसमें मिट्टी में। ठीक है, अभी इसमें ये देखो आप कितना का प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे कनक का ही लगा लो आप, 94 इन मिलियन टन था 2011-12 में, और 93.50 उतना है, पर हमारी पॉपुलेशन है वो इससे तो इंक्रीज हुई ही हुई है, पर आउटपुट उतनी ही है। ठीक है, भी आगे चलते हैं। हाँ, इसमें हम पढ़ते हैं जो हमारी लैंड डिविजन काफी रीजन है भी, जो हमारे आउटपुट इतनी अच्छी नहीं होने का, और अभी हम जो गवर्नमेंट है वो पावर भी फ्री देती है किसानों को भी, जो ग्राउंड वाटर को पंप करते हैं, और इससे जो हमारा पानी की स्टोरेज एक्वीफर्स है वो भी, उनमें भी पार्टी पानी कम हो गया है, और इससे क्या हो रहा है, जो मार्जिन जो मतलब एपीएल है पीपल है वो एक फसल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, वो फिर डाउन में चले जाते हैं। ठीक है, और जो बिग फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, उनके पास तो ट्यूबवेल उनके पास ज़्यादा बड़े डूंगे डीप ट्यूबवेल होने की वजह से उनके पास पानी फिर भी अवेलेबल है, और इसके अलावा जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो डबल नुकसान में जाते हैं, क्योंकि वो भी हाई यील्ड वैरायटी सीड खरीदते हैं, और वो भी जो बिग फार्मर्स हैं। ठीक है, पर हाई में हाई आउटपुट होती है उनके, और जो बिग फार्मर का हाई आउटपुट होने की वजह से वो प्राइस को फिक्स कर पाते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो अपना जो कॉस्ट भी नहीं निकाल पाते। ठीक है, वो डबल नुकसान में जाती है, क्योंकि तो जो ये सारा प्रोडक्शन है एक ही टाइम पे मार्केट में अवेलेबल होता है, और इससे क्या होता है, जो सप्लाई हाई हो जाती है डिमांड कम हो जाती है, इससे सेल कम हो जाती है, सो जो हमारे छोटे किसान भाई हैं उनकी फूड सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन है जो, ये नया फिनोमेना नहीं है, इससे मतलब क्या हो रहा है, जो हम मार्केट में ओपन हो रहे हैं, ग्लोबलाइज मार्केट में ओपन हो रहे हैं, जब हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ, जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया, कॉलोनाइजेशन की हमारी, तब भी यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे पास आए थे, जो वो क्यों आए थे, जो हमारे मसाले वहाँ पे भेजे जाते थे, और किसानों के वो भी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड,
और टिल टुडे उनकी बहुत डिमांड थी वहां पे। और ब्रिटिश पीरियड में तो उनको जो कॉटन हमारा था, कॉटन बैरी जो हमारी बेचती थी, ब्रिटिश को यहाँ पे खींच के ले आई। और वहाँ पे हम ये कच्ची कच्चा सामान था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो ब्रिटेन में कच्चा सामान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफी बढ़ता जाता था। ठीक क्योंकि तो हमारी जो कॉटन की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। और इस क्वालिटी के कारण वो यहाँ पे आए थे। ठीक है, पर जब वो आए तब उन्होंने हमें, जो हमारे किसान भाई थे, उनको उनको कहा भी इंडिगो भी, जो इंडिगो को उगाओ, वो अभी अपना जो खाने की वस्तुएं थी जीवन निर्वाह करने वाले, वो उनको उनको उन वो भी बीजने नहीं दी गई। इस वजह से चंपारण मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था बिहार में। ठीक है, और वो कहते थे इंडिगो बीजो वो जो टेक्सटाइल के लिए, वो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी जरूरी था। और अभी भी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, जो इंडियन फार्मर है वो सीधा एक्सपोज हो रहा है न्यू चैलेंज के लिए। और जो चावलों की खेती, कॉटन की, रबर की, आर नॉट, जो हमारी ये खेती है, ये अभी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ नहीं कम्पीट कर सकती, क्योंकि वहां पे जो बहुत ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, और इतनी सब्सिडी हम नहीं देते हैं। ठीक है, और इस वजह से हम अभी भी उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, और इससे जो हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, जो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस किया गया था, बट इट इज बीइंग चैलेंज एलेज सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस मच, बट टुडे इट्स कंट्रोवर्सी इट्स बीइंग एलेज इट्स हैज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज। और जो हमारे केमिकल का ओवर यूज हो रहा है, खाद वगैरह का, और हमारे जो पानी निकालने वाले वो भी कम हो रहे हैं, और हम बायो एक ही फसल को बार बार बीज रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो मतलब सीड है, बीज है, वो जेनेटिक के द्वारा बढ़िया क्वालिटी के प्रोड्यूस करके, ठीक है, उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्सो। अभी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी रिवाज हो गया है। और इसमें क्या हो रहा है, इस क्योंकि इसका बेनिफिट ये है, अभी हमें खाद वगैरह के यूज कम करें और पेस्टिसाइड कम करें, और इससे जो हमारा वातावरण है उसको भी कम ही नुकसान हो। ठीक है, अभी कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं इनका इनका बैड फ्यूचर है, अगर वो ऐसे ही अपने होल्डिंग्स पे, जो उनकी होल्डिंग है उस पे ही ऐसे ही फूड फूड को उगाएंगे। और क्योंकि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, जो वो 833 मिलियन है, वो अभी भी, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है पर लैंड की जो लैंड है हमारे पास वो तो फिक्स ही रहेगी ना, 250 मिलियन। ठीक है, और इससे भी आपको पता ही चल रहा है, अभी एक पर्सन के पास हाफ देन हेक्टेयर है। ठीक है, और अभी जो इंडिया भारत के किसान है, इसको अभी क्रॉपिंग पैटर्न को डिवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगानी चाहिए, उनको वीक अनाज के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स भी बननी चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और जो जो हमारा वातावरण की डिप्लीशन कम होगी, अगर वो फलों को, मेडिकल हर्ब्स को, फ्लावर्स को, वेजिटेबल बायोडीजल लेक्टोटॉक्स को उगाएगा। और जब इसको, क्योंकि जो ये मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं इनको इरिगेशन के लिए भी कम मिल चाहिए, और इससे जो हमारा वातावरण है वो भी ठीक रहेगा, और ये हमारे लिए, और जो इंडियन डिवर्सिफाइड क्लाइमेट कैन बी, जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, ये भी हमारे लिए कवच है हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए। अभी इन्होंने ये भी बताया हुआ है, अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न को, जो हमारी अनाज की फसलों के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाएं, तो क्योंकि फूड हम बाहर से इंपोर्ट करें, जो मेन सेलर्स हैं, तो
ठीक है। अब ये डिस्कशन 1960 में भी चला था, इट सीन एज टू बी, बट अगर ये वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कम्युनिटीज, पर ये इट विल, यहाँ पे तो ये इटली और इसराइल में तो ये काफी सक्सेसफुल हुआ, बट दीज कंट्री एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम ये रिस्क ले सकें, मेरे हिसाब से तो किसान अभी पढ़ा लिखा नहीं है, वी विल नॉट टेक एनी रिस्क टिल डेट, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।